गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ गरिमा मिश्रा, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर का पार्ट दो, कछुआ और उसके दोस्त नामक पार्ट को पढ़ेंगे। यह पार्ट एक कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर इसकी सीख को देखेंगे। एक छोटा सा कछुआ था, उसका नाम था दीपू। बच्चों, एक छोटा कछुआ था जिसका क्या नाम था? दीपू। वह धीरे धीरे चलता था, इसलिए सभी जानवर उसे धीमू धीमू कहकर चढ़ाते थे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कछुए बहुत धीरे धीरे चलते थे, हैं, इसलिए सभी जानवर उसको क्या कह के चढ़ाते थे? धीमू धीमू। एक दिन जब वह घर जा रहा था, उसे रास्ते में एक बंदर मिला। उसने क्या कहा? धीमू, तुम सदा धीरे धीरे चलते हो, क्या कभी घर भी पहुंचते हो? बंदर ने उसे क्या कह के चढ़ाया कि धीमू, तुम इतने धीरे धीरे चलते हो, तुम घर भी अपने पहुंच पाते हो कि नहीं? इतना कहकर बंदर छलांग मारता हुआ दूर चला गया और दीपू दुखी हो गया। ये कहकर बंदर तो छलांग मारता हुआ दूर चला गया, पर दीपू बहुत दुखी, मतलब उदास हो गया। घर पहुंचने पर दादाजी ने उससे पूछा, दीपू, तुम इतने उदास क्यों हो? जब वो घर पहुंचा तो उसके दादाजी ने दीपू से पूछा, दीपू, तुम इतने उदास क्यों हो? दीपू ने रोते रोते सारी बात बताई। क्या बताया? कि बंदर ने उसे चिढ़ाया और बोला कि तुम इतने धीमे धीमे चलते हो, तुम कभी घर भी पहुंचते हो। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसे प्यार से समझाया, दीपू, धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं। तो दीपू ने क्या पूछा? तो बुरी बात क्या है दादाजी? रुक जाना बुरा होता है, सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। उसके दादाजी ने समझाया कि धीरे धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर दूसरा कुछ कहता है आपको कि आपकी कमियों के बारे में, तो उसको सुनकर दुखी हो जाना और रुक जाना बुरी बात होती है, उसको इग्नोर करिए और अपना काम करते चलना चाहिए। दीपू दादाजी की बात सुनकर प्रसन्न था, प्रसन्न मतलब खुश था। कुछ दिनों बाद फलों का मौसम आ गया। देखो वहाँ कितने रसीले फल लगे हैं, रसीले मतलब रस भरे, पर हमें तैरना नहीं आता, वहाँ पहुँचे कैसे? एक बंदर दूसरे बंदर से कहता है कि देखो वहाँ कितने सारे रसीले फल लगे हुए हैं, पर वो नदी के बीचों बीच था पेड़। तो दूसरा बंदर क्या कहता है कि हमें तो तैरना आता नहीं है, तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? दीपू उन बंदरों की मदद करने के लिए सभी कछुओं को बुला लाया और उनसे एक सेतु जैसा तैयार किया। सेतु मतलब पुल, ब्रिज। दीपू उन बंदरों की बात सुन रहा था और उसने क्या किया, उन बंदरों की मदद करने के लिए अपने सारे कछुए दोस्तों को बुला लाया और एक पुल बनाने के लिए कहा। देखिए आप, यहाँ पे कछुए एक दूसरे से जुड़कर एक ब्रिज जैसा बनाए हैं। सब दोस्त उस पार तक साथ साथ जुड़कर खड़े हो जाओ। बंदर भाइयों, अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार जाकर फल खा सकते हो। दीपू ने बंदरों से क्या कहा कि अब तुम हमारी पीठ पर चढ़ते हुए जाओ और वहां जाकर फल खा सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठ पर चढ़कर नदी के बीच पेड़ पर पहुंच गए और उन्होंने रसीले फलों का आनंद लिया। रसीले मतलब रस भरे, आनंद मतलब मजा लिया। वापस आकर जब बंदर फल खाकर वापस आ गए, तो उन्होंने दीपू से कहा, हमें माफ़ कर दो दीपू, आज पता चल गया कि तुम्हें बहुत सी खूबियां हैं जो हमें नहीं हैं। बंदरों ने दीपू से माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हें भी बहुत सारी खूबियां हैं जो हमें नहीं हैं। अब दीपू उन बंदरों का मित्र बन चुका था,
सच है, चलते रहना ही जीवन है। तो बच्चों हमें इससे क्या सीख मिलती है, पहली कि किसी भी कमज़ोर आदमी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, वो कभी ना कभी किसी परिस्थिति में हमारे काम आ सकता है। और दूसरा, कमियां और अच्छाइयां सभी में होती हैं, कमियों को नज़रअंदाज करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए, अपनी ख़ास बातों को लेकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। थैंक यू।